अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिजर हयात और आप देख रहे हैं हिजर हयात चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अक्सर देखा होगा कि आपके घरों में मुख्तलिफ किस्म के पेड़े होते हैं, तो जब वो टूट जाते हैं तो मोस्टली जो है ना लोग उनको फेंक देते हैं कचरे में या घर के किसी कोने में रख देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है ना पुराने जो पेड़े हैं आपके उनको दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं, और बहुत इंतहाई जो है ना आसान तरीका आपको बताऊंगा इनको इनकी बुनाई का। तो वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप इसको आप। तो सबसे पहले इसको हम इसकी पैमाइश करेंगे। पैमाइश करने का ये तरीका है कि पहले पट्टी को जो है ना एक साइड से हम रोल करेंगे, फिर वहाँ से निशान लगा लेंगे, और उसके बाद उतनी ही दो जो है ना इसकी रस्सी जो होगी ना बराबर करके दो रस्सियाँ उतनी जो है ना इसकी मेजरमेंट कर लेंगे दूसरी साइड के लिए भी, और थोड़ी सी गंजाइश रखेंगे तो गिरा लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो है ना रस्सियाँ बराबर करके मेजरमेंट इनकी कर ली थी, काट ली थी, और कटिंग करने के बाद जो है ना इसका जो आगे का सिरा होता है उसमें जो थोड़े थोड़े रेशे निकल आते हैं, तो उसके लिए आपने ये करना है कि चूल्हे पे आग लगा के तो उस पर थोड़ा सा आगे से इसका जो है ना मुँह बनाना है जला के। तो अभी मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे आपने करना है। तो देखिए इस तरह से आपने जो है ना डोरी को जो है ना आगे से थोड़ा सा इसका मुँह बना लेना है जला के, ये आप चेक कर सकते हैं। ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा सा आगे से इसको जो है बुला लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है ना एक सिरे को जो है ना सिलाई कर लेना है किसी सुई से। तो मैंने तो वैसे स्टेपलर से काम चलाया था, तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसको स्टार्टिंग में जो है ना सिलाई कर लें किसी धागे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैसे स्टेपलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आर्जी तौर पर इसको यहाँ पर जो है ना स्टेपलर से इसको करूँगा, और उसके बाद आप देखते जाएँ आगे। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले जो आप बुनाई करेंगे तो रस्सी को जो है ना ढीला रखना है, यानी कि साथ साथ आप इसको टाइट करेंगे, तो जब दूसरी साइड से आप उसको बुनाई करेंगे तो फिर अगर आप ये टाइट कर देंगे तो उसमें बुनाई में आपको मुश्किल होगी। इसलिए जो पहली साइड आपने बुनाई करनी है उसको बिल्कुल जो है ना लूज़ लूज़ रखना है, ठीक है।
कुछ इस तरह से आपने कर लेनी है इसकी बुनाई एक साइड से। ये देखें हमारी एक साइड की जो है ना बुनाई मुकम्मल हो गई है। अब हम दूसरी साइड इसकी बुनाई करेंगे। अच्छा, दूसरी साइड की जब बुनाई करेंगे हम तो आपने जो रस्सी है ना एक डोरी छोड़ के एक डोरी में मतलब डालनी है इस तरह से, स्टेप बाई स्टेप आपने जो है ना डालनी है। इससे मज़बूत भी होगा पीड़ा और ये देखने में भी खूबसूरत होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको एंड पॉइंट पे जो है ना थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको रोल को रस्सियों के अंदर से गुजारने में। तो आपने इस तरह करना है कि रोल को खोल लेना है, रोल को खोल के जो आगे से इसका हमने मुंह बनाया था वो इजीली हम इससे पास हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे हमने स्टेपर की पिन लगाई थी वहाँ पे हम इसको सिलाई करने लगे। वैसे तो सिलाई पहले करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने जो है पहले इसकी बुनाई कर ली है और अब हम एंड में जो है ना इसकी स्टार्टिंग पॉइंट की जो है ना कर रहे हैं सिलाई कर रहे हैं धागे से, और उसके बाद जो इसका एंड पॉइंट होगा उसकी सिलाई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सिलाई वाली जगह को जो है ना हाइड करने के लिए हमने ऐसा किया है कि हमारे पास रस्सी बच गई थी, तो इसलिए हमने इसको एक दफ़ा जो है ना और इसकी बनाई की है, मतलब तो इसकी दोनों साइड तो वैसे तो नौ नौ दफ़ा इसको हमने की है इसकी बनाई। तो ये हमारे पास रस्सी बच गई थी, तो इसको हमने अभी ये करना है कि जो सिलाई वाला हिस्सा है ना उसके ऊपर से हमने इसको गुजारना है ताकि जो सिलाई वाली जगह है वो नज़र ना आए। और मेरा आप सब को ये मशवरा है कि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने इसी तरह जो है ना कंडम करके फेंक दी होती हैं,
कोशिश किया करें कि बजाय नई चीज़ें लेने के अपने घर में देखें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप रिपेयर करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे जो है ना कुछ चीज़ें बन सकती हैं। तो देखें जी कितने खूबसूरत तरीके से जो है ना हमारा पीड़ा तैयार हो गया है। अब हमने इसकी जो एंड वाला पॉइंट है इसकी हमने बस सिलाई करनी है। आप सबसे जो मेरे न्यू यूज़र हैं व्यूवर हैं मेरे उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।